दोस्तों, क्या आपको पता है इस धरती पे ऐसे भी जीव हैं जो लाख प्रलय आ जाए, लाख परमाणु विस्फोट हो, लाख आपदाएं आ जाए, ये जीव कभी नहीं मरते, जबकि ये संसार भी नश्वर है। हर चीज मिट जाने वाली है, मगर दोस्तों कुदरत कुदरत ही है। कुदरत का भी अपना एक अमृत मंथन होता है, जिसको प्रमाणित करने वाले 5 जानवरों की जानकारी आज हम अपने वीडियो में देने जा रहे हैं। इन जानवरों की जिजीविषा को देखकर आप खुद कह उठेंगे, क्या ये कभी नहीं मरते? दोस्तों, ये करिश्मे कुदरत ही कर सकती है, इसलिए हम लोग आपके डिमांड पर कुदरत से जुड़ी चीजों की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद कमेंट में अपना वो टॉपिक भेज दीजिए जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कभी न मरने वाले जानवरों का जीवन परिचय। नंबर 1, टार्डिग्रेड। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है वाटर बियर। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है टार्डिग्रेड। दोस्तों, वाटर बेयर इन्हें कहा तो जाता है, मगर ये भालू से कतई नहीं मिलती। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनोखा जीव कभी नहीं मरता, चाहे इस पृथ्वी पर कितने ही विध्वंस हो जाएं, कितनी प्रलय आ जाए, ये जीव कभी नहीं मर सकता। अभी आप इनका बड़ा रूप देख रहे हैं, जबकि अत्यंत सूक्ष्म जीव है जो लगभग आधे मिलीमीटर के होता है। दोस्तों, वाटर बेयर एक जलीय प्राणी है जो पानी में बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। इनकी सूक्ष्मता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसे आप बिना लेंस के नहीं देख पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाटर बेयर -273 डिग्री सेल्सियस की खून जमा देने वाली ठंड से लेकर 151 डिग्री तापमान की जला देने वाली गर्मी तक को बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। इन पर इनका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। इस जीव की दूसरी खासियतों में ये बात भी है कि ये रेडिएशन के सबसे खतरनाक लेवल से कहीं अधिक रेडिएशन बिना किसी नुकसान के झेल लेता है। और सबसे बड़ा कमाल यह है कि पानी का ये जीव बिना पानी के 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 10 साल तक रह सकता है। हालांकि इस जीव की क्षमता को परखने के लिए इस पर 2007 में एक शोध भी किया गया। पहले तो इसे वैक्यूम में बंद किया गया, फिर से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इतना सब होने के बाद भी ये धरती पर जिंदा वापस आ गया। नंबर 2, ग्रीनलैंड शार्क। दोस्तों, ये खतरनाक शार्क अंटार्कटिका के अत्यंत ठंडे इलाके में रहती है। ये शार्क इतनी दिलेर होती है कि किसी से नहीं डरती, ना ही किसी को देखकर दौड़ लगा सकती है। इसे बेहद ठंडी और अंधेरी जगह पसंद है, जहाँ खाने को भरपूर मात्रा में होना चाहिए, इसलिए ऐसी ही जगह तलाशती है। इसकी उम्र 250 साल तक ही हो सकती है, जबकि आज तक समुद्री जीवों में इतनी उम्र किसी की नहीं पाई गई। जानकारों का कहना है, अगर इसे मन मुताबिक माहौल मिल जाए तो ये कम से कम 272 साल भी जी लेगी। आपको बता दें कि इसी प्रजाति की एक 16 फीट लंबी शार्क पाई गई, जिसकी उम्र 392 साल थी। है ना हैरत की बात। नंबर 3, खतरनाक रेड सी अर्चिन। ये पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जीवों में से एक जीव है। इनका सामना होते ही भागने में ही भलाई है, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। वैसे तो इसकी आयु का अनुमान 15 साल तक का लगाया गया है, मगर हाल ही में शोधों से पता चला है कि ये जीव बेहद आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। जब वयस्क अर्चिन से रिसर्च में पाया गया कि वयस्क अर्चिन तो 200 सालों से भी जिंदा थी। लंबी उम्र के बावजूद इनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी ये जवान के जवान बने रहते हैं। इनकी लेंथ भी बढ़ती रहती है ना अजर अमर प्राणी। नंबर 4, लंग फिश। दोस्तों, इस मछली की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये बिना पानी के कई महीनों तक जिंदा रह सकती है, और अगर इसके इलाके में सूखा भी पड़ जाए तो भी ये जिंदा रह लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, समुद्री जीव होकर भी ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, ऐसा इसके खास किस्म के फेफड़ों की वजह से होता है। ध्यान से हमारी बात सुनिए, जब सूखा पड़ने लगता है तो ये मछलियाँ अपने लिए बिल बनाना स्टार्ट कर देती है, और जब पूरा सूखा पड़ जाता है तब ये खुद को अपने द्वारा बनाए गए बिल में छुपा लेती है। इसी दौरान ये अपने शरीर में एक तरल पदार्थ निकालती रहती है। ये पदार्थ एक तरह का कोकून होता है। बस इसी कोकून के सहारे ये मछली लंबे टाइम तक जीवित रह जाती है। इस कोकून में वो बारिश का इंतजार करती है। कमाल की बात तो यह है कि महीनों कोकून में रहने के दौरान कुछ भी खाती पीती नहीं है। जैसे बारिश शुरू होती है, फिर से इसके जीवन का नवचक्र शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया इसके जीवन में लगातार चलती रहती है। नंबर 5, हाइड्रा। दोस्तों, इस अजर अमर कहलाने वाले जीव का नाम है हाइड्रा। 19वीं शताब्दी के शोध के मुताबिक इसे अजर अमर करार दिया गया, मगर फिर भी इसे अमर करार देने में संदेह बना रहा। आखिरकार 20वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले की ये बात साबित हो गई कि हाइड्रा कभी नहीं मरते। ये एक चिपचिपा जीव है। कमाल की बात तो यह है कि इनके शरीर के बहुत से हिस्से टाइम के साथ पुराने अंगों में रिप्लेस होते रहते हैं। शायद यही कारण है कि इन्हें मौत नहीं आती, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनकी चमक और बढ़ती चली जाती है। हालांकि इनकी संख्या दुर्लभ होती जा रही है, क्योंकि अन्य जीव इन्हें खा जाते हैं। ये बीमार होकर तो मर सकते हैं, मगर कभी बूढ़े होकर नहीं। दोस्तों, ये थे वो जीव जिनकी लंबी उम्र ने इन्हें अमर कहने पर मजबूर किया, और अब इंसान की कोशिश है इंसान को अमर कर देने की। साइंस की माने तो ये उम्मीद की जा सकती है, मगर फिलहाल सच तो ये है कि दुनिया मिट जाने वाली है, और कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ना ही कोई चीज़ बाकी रहेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है?
या आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।